AT&T डिस्कवरी डिस्ट्रिक्ट। अच्छे मेरे जॉइंट आई बॉल है जो डालर्स के डाउनटाउन में रखी हुई है, ये भी काफी और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। डैलस मूव हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, पर मैंने डैलस सिटी के व्लॉग्स अभी तक नहीं बनाए या आपको आसपास कहीं घुमाने नहीं ले गया। तो अभी खड़ा हूँ क्लाइड वॉरेन पार्क में, जो डैलस डाउनटाउन में है, सेंटर ऑफ द सिटी में है। एक बहुत अच्छा सा पार्क है वहाँ पे। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि डैलस डाउनटाउन क्या क्या ऑफर करता है पब्लिक को, कैसा डाउनटाउन है और ओवरऑल क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सब देखते हैं आज की वीडियोज़। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं अभी एक क्लाइड वॉरेन पार्क में खड़ा हूँ जो डाउनटाउन के सेंटर में है। तो आसपास पूरा डाउनटाउन है। तो ये डैलस का ब्यूटीफुल रेजिडेंशियल एरिया है और साथ ही साथ डाउनटाउन जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, बिजनेस बिल्डिंग्स हैं, वो सारी हैं यहाँ पे। और आसपास जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं वो रहने के लिए हैं। पार्क में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे सामने योगा क्लास चल रही है तो कई लोग योगा वगैरह सीख रहे हैं। और ये सभी जो फैसिलिटीज़ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं कि पार्क के आसपास और क्या क्या है। बट गार्डन काफ़ी सुंदर इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और सिटी के इतने बीच में इतना अच्छा गार्डन ये लोग मेंटेन करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है अमेरिका में। आप किसी भी डाउनटाउन में अगर जाते हैं तो आपको हर सिटी के बड़े से बड़े डाउनटाउन के एरिया के पास में आपको ऐसा एरिया मिलता है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गार्डन और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ मुझे दिख रहा है कुछ गेम्स वगैरह की या इस तरह की कुछ सिटिंग्स अरेंजमेंट वगैरह लगी हुई है। तो बच्चे कुछ खेल रहे हैं और काफ़ी सारी सीटिंग हैं, चेयर्स हैं। ये सैटरडे वगैरह को काफ़ी फुल होता है, वीकेंड्स पर आज क्योंकि वीकडे है तो इतना फुल नहीं है, पर आप मैगजीन्स वगैरह पढ़ सकते हैं जो कि उन्होंने रख रखी हैं आपके लिए। टेबल टेनिस खेलना है और बाकी जो फूसबॉल है, चेस के गेम्स हैं, ये सभी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये पब्लिक फैसिलिटी के अंतर्गत आता है जो कि यहाँ पे इजीली आपको एक्सेसिबल होता है। तो काफ़ी सारी की बुक्स हैं जो कि ओपन में पड़ी हैं, इन्हें मेंटेन करते हैं। शाम को 8 या 8:30 बजे के आसपास इसको क्लोज़ करते हैं वो लोग, पर उसके पहले आप दिन में कभी भी आएँ, आराम से बुक्स पढ़ें। सामने एक योगा क्लास चल रही है, वहाँ पर योगा वगैरह सीखें। ये रोज़ नहीं होता है, कभी कभी होता है, पर बाकी कुछ इस तरह का है क्लाइड वॉरेन पार्क। तो पार्क के साइड में एक रेस्टोरेंट है, मेक्सिकन रेस्टोरेंट है, जहाँ पे इतनी भीड़ है। और जैसा मैंने बोला सामने योगा क्लास वगैरह चल रही है, तो उन्होंने बोला कि हर वेंसडे वो लोग लेते हैं, तो वेंसडे की योगा क्लास है। इतने अच्छे एरिया में वो लोग योगा क्लास चलाते हैं, विच इज़ अमेजिंग। कुछ वाटर फाउंटेन्स वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए, तो बड़ों के लिए बुक्स वगैरह पढ़ने की फैसिलिटी, चेस और अदर अदर गेम्स, रेस्टोरेंट, रेस्ट रूम की फैसिलिटी पब्लिक के लिए, और योगा क्लासेस एंड ऑल, वो भी इतने सुंदर एरिया में, इतने एक्सपेंसिव एरिया में, इतना सुंदर इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो ये वन ऑफ द पार्ट है डैलस डाउनटाउन का जहाँ पे डेफिनेटली आपको आना चाहिए क्लाइड वॉरेन पार्क में इवनिंग स्पेंड करने के लिए। अब हम देखते हैं कुछ और आसपास में एक्सप्लोर करता हूँ कि क्या है और वहाँ आपको लेके चलता हूँ। डाउनटाउन में ही ट्रैम भी चलती है, सो डाउनटाउन में ही ट्रैम फैसिलिटी है जिसका आप आई थिंक बेसिक टिकट या फ्री भी हो सकता है। कैंसर सिटी में फ्री थी, यहाँ मैंने अभी देखा नहीं कि क्या प्राइसिंग है, बट काफ़ी चीप होती है। आप आराम से डाउनटाउन में इवनिंग में ट्रैवल कर सकते हैं इसको यूज़ करके। तो अभी मैं वॉक कर रहा हूँ AT&T डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी साइड, और ये एकदम डैलस डाउनटाउन जो है उसका, जैसे हमने पार्क देखा वो सेंटर में है, सिमिलरली काफ़ी सारी जो कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं उनके सेंटर में है AT&T की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, और उसका वहाँ पे बना हुआ AT&T डिस्ट्रिक्ट के नाम से। तो वहाँ हम चलते हैं अभी और देखते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है। वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेसेस में से एक है मेरी डैलस की, क्योंकि बहुत लाइवली होता है वहाँ पे, भी गेम्स वगैरह होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे होते हैं हमेशा, तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे शाम को, स्पेशली अगर आप वॉक वगैरह करना चाहते हैं या उस तरह का जो माहौल होता है वो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो वो देखने के लिए चलते हैं। डाउनटाउन की जो लाइफ है वो जनरली अदर जहाँ हम रहते हैं वहाँ से काफ़ी डिफरेंट होती है। जैसे आप देखें कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे वॉक करना पसंद करते हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है तो वहीं पर रहते हैं, और जल्दी जल्दी फूड वगैरह जो होती है उसकी रेस्टोरेंट काफ़ी पास पास होती हैं। तो एक अलग ट्रेंड होता है यहाँ पे रहने का डाउनटाउन में, जो लोग रहते हैं अमेरिका में उनका एक ट्रेंड ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पिकअप करते हैं फूड। तो जैसे हम लोग कुक करने में बिलीव करते हैं कि कुक करना है फूड, वो लोग कुक कम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करते हैं, और उस तरह का जो कल्चर होता है फास्ट फास्ट वाला, वो डाउनटाउन में आपको देखने को मिलता है।
जनरली जो डाउनटाउन का एरिया होता है वो सबसे एक्सपेंसिव एरिया होता है इन टर्म्स ऑफ फूड के बारे में भी, रेस्टोरेंट के बारे में भी, हर चीज़ से रिलेटेड। सामने जो क्लीन जूस की दुकान है पीछे, एक वहाँ पर मैंने एक बार जूस पिया था तो $12 का जूस था। इन जनरल आपको $5 या $6 में मिल जाता है, पर क्योंकि डाउनटाउन में है, सबसे रिच जो प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और बहुत जो जिन लोगों के पास पैसा होता है वो यहाँ रहते हैं, इसीलिए भी हर चीज़ का एक्सपेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो पर यही है कि मतलब डाउनटाउन लाइफ काफ़ी डिफरेंट है। पॉश से पॉश गाड़ियाँ आपको डाउनटाउन में देखने को मिलती हैं, और जो अमेरिका हमको मूवीज़ में दिखाया जाता है, स्पेशली न्यूयॉर्क या वो सब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है किसी भी सिटी की, तो वो डाउनटाउन में होती हैं। जैसे कि आप आसपास देख पा रहे हैं, फुल गगनचुंबी इमारतें, और ये जो टैक्सी है, और ये जो वो अमेरिका जो जनरली हम मूवीज़ में देखते हैं वो बेसिकली डाउनटाउन दिखाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यहाँ से एंट्री है AT&T डिस्ट्रिक्ट की, जिसकी मैं बात कर रहा था। और डाउनटाउन में हमेशा कहीं भी आप जाएं तो पार्किंग की मारामारी होती है बहुत। अमेरिका में किसी भी बड़ी सिटी में आप जाएंगे $10, $20 इस तरह की पार्किंग आपको पे करना पड़ती है, समटाइम्स $40 भी, कभी कभी डे की, कभी कभी आर्ली आपको $5 या इस तरह का पार्क करना पड़ता है। सो ₹1,000 to ₹2,000 अगर देखें उतना आपको पर डे की पार्किंग का देना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे भी पब्लिक पार्किंग है, हर जगह पब्लिक पार्किंग होती है, ये अच्छा कि फैसिलिटी हर जगह होती है, बट आप पे कर सकते हैं। और यहाँ से एंट्रेंस है, तो ये देखिए, ये AT&T डिस्ट्रिक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस है डैलस में। एंट्री पे इन्होंने ज्यूस बना रखे हैं, ग्रीक गॉड, काफ़ी ब्यूटीफुल। और डैलस की आप पिक्चर देखेंगे तो बहुत लोग इसी तरह फोटो खिंचा के डालते हैं, AT&T डिस्कवरी डिस्ट्रिक्ट। सामने काफ़ी लाउड म्यूज़िक बज रहा है, तो यहाँ पे भी वर्कआउट चल रहा है। पिछले गार्डन में हमने देखा था, वहाँ पे लोग योगा कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट हर वेंसडे। यहाँ पे भी वर्कआउट चल रहा है आज वेंसडे को, तो कुछ इवेंट होगा या कुछ होगा जिसके कारण वर्कआउट चल रहा है, बट इस तरह के इवेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं पब्लिक के लिए, जस्ट टू प्रमोट हेल्थ, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत अच्छा है कि आप इतनी बिजी स्केड्यूल में लोगों के डाउनटाउन हार्ट ऑफ दिस सिटी में इस तरह के फ्री इवेंट्स कन्वे करते हैं, तो बहुत अच्छा है। ओपन रेस्टोरेंट है, काफ़ी सीरीन सा, यहाँ पे भी गेम्स वगैरह है खेलने के लिए, कनेक्ट फोर है, और कॉर्न हॉल एक गेम होता है जिसमें आप थ्रो करते हैं इनको, तो जैसे मैं फेंकता हूँ इसको वहाँ पे फेंकना है। तो ये हो गया वर्कआउट शुरू होने वाला है यहाँ पे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ड्रिंक्स वगैरह मिलेंगी, और वर्कआउट को कैसे करना है वो डिफाइन करेंगे ट्रेनर हैं। और ये कौन है, एंटोविन जो मेरे ट्रेनर हैं उनका वर्कआउट है। वर्कआउट तो काफ़ी हैवी सेट कर रखा है, वो देखिए बंदा डांस कर रहा है। और कितना ब्यूटीफुल है AT&T डिस्कवरी डिस्ट्रिक्ट पूरा। और लोग वर्कआउट करने के लिए आते ही जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और वो सामने AT&T डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे है AT&T डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बिल्डिंग है उसके अंदर हम आ गए। इस तरह से उन्होंने पिलर्स वगैरह पे आर्ट वगैरह कर रखी है लाइट से। तो ये एरिया बहुत पॉपुलर है डैलस डाउनटाउन का। और AT&T की काफ़ी हिस्ट्री वगैरह है यहाँ पे, और डैलस की भी काफ़ी हिस्ट्री है। अब चलते हैं वर्कआउट की ओर, और इसके बाद और क्या है वो भी मैं आसपास देखता हूँ और दिखाता हूँ आपको। पर सोच रहा हूँ आया हूँ तो एंटुआ से इतने टाइम बाद मिला हूँ, सरप्राइजिंगली आज एंटुआ का ही वर्कआउट है जो मेरे ट्रेनर हैं जिनको आपने देखा, तो लगे हाथ वर्कआउट भी कर ही लेते हैं। तो ये एंटुआ हार्वर्ड का वर्कआउट चल रहा है जिसका एडवर्टीजमेंट इतनी बड़ी स्क्रीन पर पब्लिश हो रहा है, जैसा न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर होता है उस तरह से।
और यहाँ वर्कआउट जो है वो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो वर्कआउट जस्ट फिनिश हुआ और रात हो गई, वर्कआउट कंप्लीट होते होते 8:30 बजे कंप्लीट हुआ। तो इस तरह का माहौल यहाँ पे है नाइट में, ये जो लाइटिंग वाला मैंने आपको दिखाया वो इस तरह से चमकता है, ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और नाइट में बिल्डिंग्स और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो लाइट वाइट लगा के रखते हैं। अभी डैलस आई की ओर निकलूँगा, वो भी दिखाऊँगा आपको कि वो कैसा है, और देखता हूँ स्टफ़ आसपास अगर कुछ करने के लिए तो। पर इस तरह का डैलस डाउनटाउन का हमारा वीडियो चल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आज वेदर बहुत अच्छा, जनरली बहुत गर्मी होती है तो हालत ख़राब हो जाती है गर्मी में, पर अभी तो वेदर काफ़ी अच्छा है। आज लोग घूमते फिरते रहते हैं, अपने कुत्ते वत्ते घुमाने आते हैं डाउनटाउन में, बहुत लोग दिखेंगे आपको डाउनटाउन में अपने डॉग्स को वॉक कराते हुए, तो ये भी बहुत एक कॉमन चीज़ है यहाँ पे। AT&T बिल्डिंग से जस्ट मैं निकला हूँ, वो सामने ही AT&T बिल्डिंग है जहाँ से हम निकले अभी, और वहाँ से निकल के थोड़ी सी ड्राइव पे पीछे मेरे जॉइंट आईबॉल है जो डैलस के डाउनटाउन में रखी हुई है, ये भी काफ़ी थैंक यू। सो ये भी काफ़ी आइकॉनिक है, यू मतलब हम देखिए कितने छोटे हैं ह्यूमन और कितनी बड़ी आईबॉल उन्होंने रख रखी है। इसके आगे भी बहुत लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं डैलस में, डैलस आई या जायंट आईबॉल जिसको बोलते हैं, वो एक फेमस मॉन्यूमेंट है डैलस डाउनटाउन का, तो वो कुछ यहाँ रखा हुआ है। तो इस तरह का कुछ था डैलस डाउनटाउन ओवरऑल, आसपास सारी बिल्डिंग्स, आपने कल्चर के बारे में जाना, देखा कि लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, कितने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं आसपास, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स होती हैं। तो इस तरह का डाउनटाउन हर सिटी में होता है, और ये था डैलस का डाउनटाउन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।